हेलो गाइस, यदि आप भी इस प्रकार का थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बना के बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पिक्सर लैब एप्लीकेशन ओपन करना है। पिक्सर लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेवें और यहाँ से सबसे पहले आपको इमेज साइज सेलेक्ट करना है, जो कि यूट्यूब थंबनेल। तो मैं यहाँ से YouTube थंबनेल की इमेज साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करना है, तो कलर आप अपने हिसाब से मनपसंद कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, ये ले लिया। अब मान लो आपको इसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से ग्रेडियंट में जाके आप हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद में दोस्तों, अपना को यहाँ से ओके करना है, फिर बीच वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ, जो कि अपने टेक्स्ट टाइपिंग में आराम रहेगा। मैंने शेप ले ली है यहाँ पे। अब इस शेप को हल्का सा अपन रोटेट कर लेते हैं। यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। ये शेप ले ली। अब अपने को हल्का सा इसमें इनर शेडो देना है। मैं यहाँ से इनर शेडो दे देता हूँ। ब्लू रेडियस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब आपको यहाँ से गैलरी में से अपना फोटो ले लेना है। जैसे मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ, ये हो गया फोटो। अब आपको हल्की सी इसकी इमेज साइज छोटी करके यहाँ पे एक बार फिट करके देखना कितनी साइज ठीक रहती। तो इतनी साइज ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल साइड में कर लेता हूँ। अभी यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में मैं इस शेप को यहाँ से लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद में आपको बीच में क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ड्राव का, तो ड्राव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से फिल इनसाइड वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। अब आपको क्या करना है, फ़ोटो के नीचे हल्का सा आपको वाइट बैकग्राउंड बनाना है। तो उसके लिए आपको अंगुली से यहाँ से रब करना है ऐसे। ऐसे कर लेना। अभी हो गया, तो यहाँ से ओके करना है। अब इसकी साइज हल्की सी अपन बढ़ा लेते हैं। साइज बढ़ाने के बाद अब इसमें अपन कलर फिल कर लेते हैं। जैसे वाइट कलर में ठीक रहेगा, वाइट कलर हो गया। अब अपन इसमें हल्का सा स्ट्रोक दे देते हैं ब्लैक कलर का। स्ट्रोक देने के बाद फ़ोटो को इसके ऊपर फिटिंग करना है। तो फ़ोटो इसके नीचे, फ़ोटो को ऊपर लाना है। यहाँ से पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो को ऊपर ले आएंगे। फ़ोटो को ऊपर लाने के बाद में हल्का सा अपन इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हल्का सा अपन शेडो दे देते हैं यहाँ पे। ये शेडो हो गया दोस्तों। शेडो देने के बाद में अपन ऊपर यूट्यूब का लोगो लगा लेंगे। यूट्यूब के लोगो की साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ से हल्का सा YouTube के लोगो को अपन रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद में हल्का सा साइज और छोटा कर लेते हैं।
साइज छोटा होने के बाद में अपन यहाँ पे हल्का सा शेडो दे देते हैं। शेडो देने के बाद में अब अपने को यहाँ पर टेक्स्ट टाइपिंग करना है। जैसे मैं लिखता हूँ मेरे जैसा थंबनेल, मेरे जैसा थंबनेल लिखने के बाद में यहाँ से नीचे कर लेते हैं। फिर इसको रोटेट करके इस शेप के सीध में जैसा बनाते हैं लेवल में बराबर, तो मैं यहाँ से इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये देखिए इसके बराबर ठीक जैसा हो गया। अब मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, ग्रेडियंट यहाँ से ये कलर लेता हूँ। अब इसकी मैं हल्की सी फ्रंट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी साइज बढ़ा लेता हूँ। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे बनाना सीखो, अपन इसको भी हल्का सा रोटेट कर लेंगे। मतलब ये शेप है, इस शेप के बराबर लेवल में रहना चाहिए ये रोटेट। अब आपको यहाँ पे कलर फिल कर लेना है। अपन इसकी फ्रंट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, खंड बोल्ड, इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा लेते हैं। अब मैं यहाँ से पिक्सर लैब का लोगो ले लेता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसकी साइज को। हल्का सा मैं इसमें शेडो दे देता हूँ, शेडो का कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ सिर्फ और मैं। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं ताकि इसमें कैपिटल साइज में 2 मिनट लिख पाएंगे। सिर्फ 2 मिनट में अपने को लिखना है, सिर्फ और मैं हो गया छोटा साइज में, 2 मिनट अपन थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिख देंगे बड़ा। यहाँ से फ्रंट स्टाइल, खंड बोल्ड, थोड़ा सा अपन बीच में और स्पेस बढ़ा लेंगे, इसके साइज को हल्का सा बड़ा कर लेंगे। इसमें ऐसा हो तो आप और भी कलर फिल कर सकते हो, जैसे मैं इसमें ये ले लेता हूँ। अब अपने को लिखना है 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट लिखने के बाद में यहाँ से ओके। अपन इसकी फ्रंट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, यहाँ से अपन खंड बोल्ड कर लेते हैं, फिर ओके। इसका साइज अपन हल्का सा बढ़ा लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए दोस्त,
अब यहाँ से मैं एक दो थंबनेल पुराने बनाए हुए थंबनेल ले लेता हूँ और उनको यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कोई भी थंबनेल हो गया, ये ले लिया मैंने। यहाँ से मैं और थंबनेल ले लेता हूँ, इसको हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ, इसको भी हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रोक डाल देता हूँ वाइट कलर का, हल्का सा इसके ऊपर भी स्ट्रोक डाल देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हल्का सा ऊपर, ये देखिए दोस्तों अपने सामने बनकर तैयार है। ऊपर अपन ईयर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे 2023 है तो 2023 लिख लेता हूँ मैं। यहाँ से फ्रंट स्टाइल में जाके खंड बोल्ड, इसका कलर अपन ब्लैक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में सिर्फ 2-4-5 मिनट में आप ऐसा थंबनेल बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।